Press the bell icon of the e-Parshala channel and never miss another update. So, welcome back student, बहुत स्वागत है आपके हमारे e-Parshala के चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम ऋषि है और आज हम लोग करने जा रहे हैं हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 4, लैंडस्केप ऑफ द सोल। इससे हमें ये पता चलता है इसकी हेडिंग से कि हम इसमें बात करेंगे पेंटिंग्स की। जैसे एक फेमस पेंटिंग मैंने यहाँ पे लगाई है मोनालिसा की, कुछ इसी प्रकार की और भी पेंटिंग्स की बात हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने चैप्टर में क्या क्या है। तो इसकी ऑथर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनका नाम है नेथली ट्रॉवरॉय, ये इस स्टोरी की ऑथर हैं, एक लेडी हैं, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। स्टोरी नहीं है, एक एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक खाली पार्ट है कहीं किसी आर्टिकल का या किसी भी चीज़ का एक पार्ट है, ये मेनली स्टोरी नहीं है। तो इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे, इस स्टोरी में हम दो लैंडस्केप्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंडस्केप आप लोग समझ जाइए, एक ऐसी पिक्चर होती है जिसमें नेचर का बहुत बड़ा एक सीनरी दिखाया जाता है, जिसमें हर एक पार्ट को दिखाने की कोशिश करी जाती है, वो होता है एक लैंडस्केप। तो आइए अब हम देखते हैं अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं क्या क्या है चैप्टर में। तो सबसे पहले हम चाइना की एक आर्ट फॉर्म देखेंगे। चाइना में टैंग डायनेस्टी थी, उनके राजा थे ज़ुआंगज़ोंग उनका नाम था। इन्होंने एक पेंटिंग बनवाई थी अपने कैसल के अंदर, अपने महल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ये उसके बारे में एक एक्सट्रैक्ट है। तो वो पेंटिंग बनाई किसने थी, वो पेंटिंग बनाई थी वू डाउजी नामक एक आर्टिस्ट थे। ये उनकी पोर्ट्रेट है, उनका पोर्ट्रेट है। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास था वो आगे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो जब ये टैंग डायनेस्टी के जो राजा थे ज़ुआंगज़ोंग, इन्होंने जब इनको बोला कि आप मेरे कैसल की एक वॉल खाली पड़ी है, एक महल की एक दीवार खाली है, आप उस पर एक बढ़िया सी एक पेंटिंग बना दीजिए। तो ये क्या पेंटिंग बनाते हैं, वो कुछ इस प्रकार की एक पेंटिंग बनाते हैं, एक लैंडस्केप बनाते हैं जिसमें माउंटेन्स दिखाते हैं, वो एक केव दिखाते हैं, झरने दिखाते हैं, पेड़ पौधे दिखाते हैं, और मतलब सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो इस पेंटिंग में वो एक सरप्राइज छुपा के रखते हैं। वो सरप्राइज़ क्या होता है वो अभी हम धीरे धीरे आपके सामने खोलेंगे, सरप्राइज़ खोलेंगे क्या था वो सरप्राइज़, ऐसा क्यों वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई, क्यों हम उसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो जब वो एक पेंटिंग बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो राजा को बुलाते हैं, बोलते हैं आप देखिए। तो जब राजा उसको देखते हैं, वो पूरा एकदम बेसिक ओवरव्यू देखते हैं। हम लोग अब इस पेंटिंग में क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, एक पेंटिंग बनी है, अच्छी लग रही है। बट वो फिर उसके बाद जो हमारे वू डाउजी हैं पेंटर, वो जो राजा का माइंड होता है वो पहाड़ों से खींच कर कहाँ लाते हैं, वो जो उन्होंने केव बनाई है, ये जो केव बनाई है इसकी तरफ अपना माइंड उनका करते हैं, राजा का, बोलते हैं आप इसको देखिए। अब इसको देख के क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपको, मतलब वू डाउजी बोलते हैं राजा से कि मैं आपको इस पेंटिंग के अंदर लेकर चलूँगा। अंदर कैसे लेकर चलूँगा, ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि वो एक पेंटिंग है, अंदर तो जा नहीं सकते पेंटिंग के अंदर, नॉर्मल सी बात है। बट वो ऐसा बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, वो राजा से बोलते हैं आप क्लैप कीजिए। जैसे ही राजा दो बार क्लैप करते हैं, वो क्या देखते हैं, वो जो केव था वो एकदम से बड़ी हो जाती है, वो केव खुल जाती है। और केव खुलने पर क्या होता है, वू डाउजी बोलते हैं आप रुकिए, मैं अंदर जाता हूँ, फिर मैं आपको भी लेके आऊँगा इस केव के अंदर। वू डाउजी अंदर जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो दो बार फिर से क्लैप करते हैं, और क्लैप करते ही वो केव जो होती है बंद हो जाती है, वापस से वो केव क्लोज हो जाती है, और केव क्लोज होते ही वो पेंटिंग गायब हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, वो पेंटिंग कहाँ गई, किसको मिली, किसी को कुछ नहीं पता उस पेंटिंग के बारे में कि क्या हुआ। बट ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत सारी बुक्स में लिखा है, हमारी हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है कि वो जो पेंटिंग थी वो रियल में गायब हुई थी, और वो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी वू डाउजी, इनके प्रूफ्स भी मिले हैं कुछ, बट ये नहीं पता चला वो पेंटिंग कहाँ गई, रियल में गायब हुई थी या नहीं, बस ऐसा खाली लिखा गया है हिस्ट्री की बुक्स में। कुछ इस तरह की हम मान सकते हैं एक वॉल रही होगी उनके राजा के महल के अंदर। आप देख रहे हैं राजा कितनी बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाते हैं अपनी वॉल्स को सुंदर दिखने के लिए, बहुत सारी पेंटिंग्स, ऐसे ही उन्होंने एक पेंटिंग बनवाई होगी जहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि वो पेंटर भी गायब हो गया उस पेंटिंग के अंदर जाकर, और पेंटिंग का भी कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही एक और पेंटिंग फेमस है, किसकी, एक और पेंटिंग फेमस है संगयो की। संगयो एक चाइनीज़ पेंटर थे, ये भी इन्होंने एक ड्रैगन बनाया था एक वॉल पे किसी,
जिसकी इन्होंने आंखें नहीं बनाई थी। आंखें क्यों नहीं बनाई थी, इन्होंने क्या रीजन दिया कि मैंने आंखें नहीं बनाई? इन्होंने बोला कि मैंने आंखें इसलिए नहीं बनाई वरना ये ड्रैगन इस पेंटिंग से निकलकर उड़ जाता, उन्होंने ये रीजन दिया। तो आप लोग सोचिए उस टाइम पे पेंटिंग को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता था, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी उस टाइम पीरियड पे, जो कि आज भी हम नहीं दे रहे इतना, हम सोचते ही नहीं है, हमें पता है रियलिटी की ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दो आर्ट फॉर्म के बारे में बताया था चाइना की, और इसके बाद एक आर्ट फॉर्म किसकी लाए थे, जो हमारी ऑथर है उन्होंने किसके बारे में एक बताया, एक यूरोपियन आर्ट फॉर्म के बारे में बताया है। वो आर्ट किसने बनाया है, वो आर्ट बनाया है क्विंटन मैटसिस ने। क्विंटन मैटसिस नाम के एक ब्लैक स्मिथ थे, ये ब्लैक स्मिथ आप लोग समझ सकते हैं लोहार जिसको बोलते हैं, जो इंसान जो व्यक्ति लोहे का काम करता है, लोहे को अलग अलग रूपों में बदलता है, वो ब्लैक स्मिथ कहलाता है। तो ये एक ब्लैक स्मिथ, इनको प्यार हो जाता है एक पेंटर की डॉटर से और ये उससे शादी करना चाहते हैं, बट जो पेंटर होता है वो इनको बिल्कुल मना कर देता है, वो बोलता है कि मैं आपको शादी नहीं करा सकता अपनी बेटी से, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल हमारे प्रोफेशन से अलग है, आप लोगों का काम अच्छा नहीं है, आप लोगों के काम में रिस्क है। तो एक दिन हमारे ब्लैक स्मिथ क्विंटन मैटसिस क्या करते हैं, वो उस पेंटर के ऑफिस में जाते हैं, पेंटर का ऑफिस मतलब जहाँ पर बैठ के वो पेंटर अपनी सारी पेंटिंग्स बनाता है उसमें जाते हैं, और वहाँ पर जिस पैनल पे उसको काम करना होता है, जिस पेज पर उसको काम करना होता है, जो उसने लगा के रखा होता है न्यू, उस पे एक फ्लाई की फ़ोटो बना के आ जाते हैं, फ्लाई की एक 3D इमेज बना कर आ जाते हैं। फ्लाई मतलब मक्खी या मधुमक्खी आप ले सकते हैं, और वो इतनी रियल लगती है, इतनी ज़्यादा रियल लगती है कि जब पेंटर आता है अपने ऑफिस में काम करने के लिए तो वो क्या देखता है, वो एकदम से उसको मारने लग जाता है, उसको ये लगता है कि ये रियल है, वो ये नहीं सोचता कि ये पेंटिंग है। जब वो ऐसा कुछ बनाते हैं वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है पेंटर उनसे कि वो उस अपनी बेटी की शादी उससे करा देता है और उसको एक असिस्टेंट की तरह अपने साथ काम पर रख लेता है। और जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा क्विंटन मैटसिस, वो एक बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट बन चुके हैं इस टाइम। उनका नाम हम अगर विकिपीडिया पे सर्च मारेंगे बहुत सारी जानकारी उनके बारे में आएगी। इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं दिया, अगर मैं आप लोगों को उनके बारे में ज़्यादा बताऊँगा तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये हम नहीं बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं उसने कंपैरिजन इन लोगों का कैसे करा है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन और बताया है बस ऑथर ने। अब इसके बाद कंपैरिजन कुछ इस तरीके से दिया है हमारे ऑथर ने कि जो चाइनीज़ आर्ट फॉर्म है उसको क्या बोला जाता है, उसको एक तो शेंशुई आर्ट फॉर्म बोला जाता है। शेंशुई का मतलब होता है माउंटेन्स एंड सन, माउंटेन्स एंड सन मतलब एक नेचुरल लैंडस्केप, जिसको अगर हम मिलाकर बोलें तो उसको लैंडस्केप पढ़ेंगे, एक लैंडस्केप, लैंडस्केप आर्ट फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं। और चाइनीज पेंटर क्या चाहता है, द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट यू टू एंटर हिज माइंड। वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी आंखों से देखें उसने क्या बनाया, वो ये चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसें कि उसने क्या सोच कर ये चीज़ बनाई। जैसे मान लीजिए मोनालिसा की पेंटिंग अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस पेंटिंग का रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग क्यों है। इसी प्रकार अगर हम इस पेंटिंग में देखें जो मैंने बैकग्राउंड में लगाई है, इसमें भी जो चाइनीज़ पेंटर रहा होगा उसने कुछ ना कुछ एक ऐसा हिडन चीज़ छुपाई होगी जो हम लोग कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो वो यही चाहता है कि हम उसके दिमाग के अंदर जाएं, उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए लेकर उसके दिमाग से सोचें कि उसने ऐसा क्या बनाया इस पेंटिंग में। जैसे अभी हमने एक पेंटिंग देखी थी कि वो कैसे उस केव को बनाता है और केव के अंदर ही गायब हो जाता है, इसी तरह। और दूसरा एक यहाँ पे यूरोपियन फॉर्म की बात करी है, तो यूरोपियन फॉर्म में उन्होंने क्या बताया है, यूरोपियन फॉर्म में उन्होंने बताया है कि यूरोपियन फॉर्म जो होता है उसमें पेंटर चाहता है कि आप उसकी आंखों से देखें, आप अपनी आंखों से मत देखिए कि वो क्या बना है, आप लोग उस पेंटिंग को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उस चीज़ को तो आप क्या पाएंगे, वो पिक्चर आप लोगों को बिल्कुल ही अलग लगेगी, एकदम 3D वर्चुअल इमेज लगेगी, आप उसमें ट्रैवल कर सकेंगे पिक्चर के अंदर। और चाइनीज़ आर्ट फॉर्म में क्या था, आप उसके माइंड से सोचते हैं कि उस पेंटिंग के अंदर बनाया क्या है उसने। बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, बट यही था इसमें दो आर्ट फॉर्मों का इन्होंने डिफरेंस बताया है कि कैसे आर्ट फॉर्म्स अलग हैं और क्या क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सिमिलैरिटीज़ तो बहुत कम ही है कि दोनों, बस सिमिलैरिटीज़ मेनली यही है, दोनों एक हिडन मैसेज छुपा रहे हैं कुछ उस पेंटिंग के अंदर, बट
जो हमारे चाइनीज आर्ट फॉर्म है उसमें वो माइंड से, माइंड के थ्रू सोचने को मजबूर करता है, और जो यूरोपियन आर्ट फॉर्म है उसमें वो आँखों के थ्रू सोचने को, मतलब दिखाने को, कुछ अलग चीज़ दिखाना चाहता है जो हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते, कुछ ऐसा डिफरेंस बताया गया है इस चैप्टर में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट से ही हम लोगों को आगे प्रोत्साहन मिलता है नई नई वीडियोज़ बनाने का। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।